मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नौवीं कक्षा की बिहाइव बुक का दसवां लेसन काठमांडू, जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है और वह काठमांडू की यात्रा पर जाता है और काठमांडू का सजीव चित्रण अपने इस लेसन में करता है। कैसे करता है? ये दसवां लेसन है अपनी बुक का। द राइटर रिमाइंड्स टू टेम्पल्स। राइटर वहां पर दो मंदिरों में जाता है, उनको याद करता है और इस पूरे चैप्टर को लिखता है। कौन कौन से दो? वन इज पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पर, उसका वर्णन करता है। और दूसरा द अदर इज द बौद्धनाथ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट, बौद्धों का बौद्धनाथ स्तूप दूसरा जो है उसका वर्णन करता है। एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर में ही फाइंड्स, वह क्या क्या पाता है? डिवोटीज हैं वहां पर बहुत से, भक्त हैं, टूरिस्ट यात्री हैं बाहर से आए हुए, काउज अनेक गाय हैं वहां, मंकीज बंदर हैं, पिजन्स कबूतर हैं, एंड डॉग्स और कुत्ते भी हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइजेस आल्सो, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है। इट इज ओनली फॉर हिंदूज, और यह मंदिर केवल हिंदुओं के लिए है, दूसरे धर्म के लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। देयर इज अ हाफ सीन श्राइन ऑन द बैंक ऑफ रिवर बागमती, बागमती नदी के किनारे पर एक हाफ सीन, आधा दिखाई देने वाला एक मंदिर है, और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, व्हेन दिस श्राइन कम्स आउट, जब ये मंदिर पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा तब क्या होगा? द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, धरती पर कलयुग का अंत हो जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत दूसरा जो बौद्धनाथ स्तूप है उसका वर्णन करते हैं। एट बौद्धनाथ स्तूप इज पीस, वहां पर शांति है, शोर शराबा नहीं है। इट इज अ बिग व्हाइट डोम, और यह एक बड़ा सा सफेद गुंबद आकार में बना हुआ है। देयर इज नो क्राउड, वहां पर भीड़ नहीं है ज्यादा लोगों की। द राइटर सीज द फ्लूट सेलर्स, यानी वहां पर शांति है। अब राइटर जो है एक बांसुरी बजाने बेचने वालों को देखता है, वंशी, और वहां पर द फ्लूट सेलर्स अट्रैक्ट्स द पीपल बाय प्लेइंग फ्लूट्स, वंशी बजाने वाले लोगों को आकर्षित कैसे करते हैं? केवल वंशी बजाकर ही आकर्षित करते हैं, आवाज लगाकर होकर की तरह, और वंशी नहीं बेचते। द फ्लूट्स आर इन एवरी कल्चर, ये जो वंशी होती हैं, ये प्रत्येक संस्कृति में होती हैं, हर जगह बांसुरी पाई जाती है। रियली वास्तव में द राइटर describes Kathmandu city in fine words, शानदार शब्दों में Kathmandu शहर का वर्णन करता है। कुछ मीनिंग है उनको डिस्कस करते हैं। एक नंबर मीनिंग devotees, मैंने devotees का यहां मीनिंग अर्थ दिया हुआ है, भक्त को बोलते हैं। tourists आसान मीनिंग है, यात्री को बोलते हैं। pigeon, pigeon कबूतर को बोलते हैं। श्राइन, श्राइन जो है मंदिर या किसी भी पवित्र स्थान को
श्राइन बोलते हैं। बैंक, बैंक किनारा होता है, वैसे बैंक बैंक को भी बोलते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत, ऊपर वाले के और कंपेयर में। और इसके बाद मीनिंग है डोम, डोम गुंबद को बोलते हैं, गुंबदाकार होता है। क्राउड आसान मीनिंग है भीड़ को कहते हैं। फ्लूट वांसुरी यानी वंशी, फ्लूट बोलते हैं। और आखिरी मीनिंग है अपना कल्चर, कल्चर जो है संस्कृति को बोलते हैं। इस प्रकार हमने कंप्लीट समरी को डिस्कस किया। आप मेरे चैनल अपने इंग्लिश भाई क्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज का वीडियो मिल सके। मैंने इस कंप्लीट समरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस के साथ डाल दिया है, वहां से इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए, लिख कर देखिए ताकि आपको बड़े क्वेश्चन में करने में, छोटे क्वेश्चन करने में और पैसेज के क्वेश्चन करने में आसानी हो सके। धन्यवाद।